जय श्री राम बच्चों, आ जाओ। कहाँ तक कर लिए थे? ग्रेविटेशन में 40 तक कर लिए थे, 41 करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी दी गई है, कितनी हाइट तक जाएगा अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बताना। जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी है? v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ve। ve क्या है यहाँ? एस्केप वेलोसिटी, और v वेलोसिटी गिवन या वेलोसिटी इम्पार्टेड जो हमने पार्टिकल को दी। k की वैल्यू इन्होंने कहा लेस देन 1 है, मतलब हमारी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कुछ कम है, 1 से कम है, मतलब 0.9, 0.8, 0.7 कुछ ऐसे रही होगी, मतलब 1 से तो कम है, और 1 से कम है तो हमारी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है। अब कह रहे हैं कितनी हाइट तक ये पार्टिकल जाएगा ये हमें बताना है, है ना। ऑप्शंस लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं भाई इसको। पहला ऑप्शन आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, दूसरा आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के का होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आर के 1 प्लस के का होल स्क्वायर, डी आर स्क्वायर के 1 प्लस के। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है लेकिन सवाल तो सिंपल ही होता है, और सवाल में जो अप्रोच लगती है, जो कॉन्सेप्ट लगता है, वो भी सिंपल ही होता है। इसमें कहा कि कुछ वेलोसिटी देकर हमने भेजा, कितनी हाइट तक जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप कुछ वेलोसिटी देंगे ऊपर की तरफ तो वो हाइट तो गेन करेगा, और इस प्रोसेस में हमने दी उसको काइनेटिक एनर्जी, और हमारी दी हुई काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। दैट्स इट, यही अप्रोच है। यहाँ पर था, हमने कुछ वेलोसिटी दी, यहाँ पर आ गया ये एच, इसने गेन कर लिया, ये हमें बताना। तो अभी जब यहाँ पर है तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? क्योंकि कुछ वेलोसिटी भी है और कुछ हाइट भी है सेंटर से, तो पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। फाइनल जब ये यहाँ पहुँच गया तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? रुकेगा ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर पार्टिकल रुकता है। तो जब रुकेगा तो काइनेटिक तो बची नहीं, बची कौन सी? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल। तो बस काम खत्म। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, चाहे प्लस लिख के माइनस लिख लो, चाहे डायरेक्ट माइनस लिख लो। जी एम एम अपॉन आर, ये इनिशियल काइनेटिक, ये इनिशियल पोटेंशियल। जब ये हाइट पे पहुंच गया तो सिर्फ पोटेंशियल है इसके पास, ठीक है। चाहे तो एच लिख लो, चाहे आर प्लस एच लिख लो। अगर एच लिखोगे तो वो सेंटर से मेजरमेंट हो जाएगा, बाद में आर माइनस करना पड़ेगा, चाहे ऐसे लिख के सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी। अभी वी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ये जो हमें दिया है के वी ई, और इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ये, ये हो जाएगा भाई। बस सॉल्व करते हैं, वी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर था, सॉरी, तो के स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू डाली ना यहाँ,
तो के स्क्वायर, और वी ई स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, एस के वेलोसिटी क्या होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, 2gm बाय आर, यही होती है ना, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2gm बाय, ये हो जाएगा बेटा, इधर से gm हम कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 बाय आर, ये बचा gm से, तो gm खत्म हो गया, m से m खत्म हो गया, ठीक, और 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा ये k स्क्वायर अपॉन r, यही बचा सिर्फ, और उधर LCM ले लो तो क्या बचेगा r इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच माइनस आर, ठीक है, ये क्या हो गया h अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर एच, या इसको भी छोड़ो कैंसिल कर दो यहीं, ये क्या रह गया, ठीक, यहां जगह है थोड़ी सी, यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो के स्क्वायर आर प्लस के स्क्वायर एच इज इक्वल टू एच, के स्क्वायर आर इज इक्वल टू के स्क्वायर एच माइनस के स्क्वायर एच, वन माइनस के स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या आ गई के स्क्वायर आर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेक करो, समझ आया, तो कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, अप्रोच तो बहुत सिंपल है, ठीक है, नोट करिए, हो गया बच्चों रब कर दें, हो गया, नेक्स्ट देखिए 42, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट ए प्लैनेट वीपी, रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ,
अर्थ पे इसके वेलोसिटी वी ई, किसी प्लैनेट पे वी पी, और इन दोनों का बताना है रेशो। जो प्लैनेट है उसकी डेंसिटी डबल है, डेंसिटी भी डबल है और रेडियस भी डबल है, यानी कि इधर लिखूं मैं प्लैनेट और इधर लिखूं मैं अर्थ। अगर अर्थ का रेडियस आर तो इसका 2R, अर्थ की डेंसिटी डी तो इसकी 2D। और ये बताना है, मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार कहा है, फिर कहता हूँ कि जिस भी क्वांटिटी की बात की जा रही है उसका फॉर्मूले में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है 2GM/R होता है भाई, इसमें मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैं डेंसिटी की टर्म्स में, तो मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम 4/3πr³। डी आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, आर अंदर हो जाएगा 8/3πgd, यही बचेगा, कुछ और तो नहीं बचेगा। तो एस्केप वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो रेडियस पे और एक डेंसिटी की पावर हाफ पे। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये डबल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको डबल कर दूं तो ये 2 की पावर ½ हो जाएगी, तो नेट इफेक्ट इतना आएगा, यानी के प्लैनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो 2√2 टाइम्स होगी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की, और रेशो जो होगा वो होगा 1/, देखना डी ऑप्शन सही आंसर है क्या, समझ आया, नोट करिए। हो गया बच्चों, रब कर दे। ये फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ये एस्केप वेलोसिटी का जो हमने निकाला है काम आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं डेंसिटी की फॉर्म में पूछते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। हो गया भाई, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, टू व्हाट अप्रॉक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी वहाँ से बच के नहीं निकल सकती। अगर हमें अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है तो उसको कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, उसका रेडियस कितना छोटा करना पड़ेगा। अभी उसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो उसको कितना कर दें ताकि अर्थ हमारी ब्लैक होल बन जाए।
तो उसके लिए देखते हैं अब तुम कहोगे जी कहाँ ब्लैक होल हमारे सिलेबस में है, कहाँ से ले आए, क्या करें, तो कुछ नहीं है, एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली लैंग्वेज में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा। सरल भाषा में ये आपका क्वेश्चन है, अगर एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, तो कितना होगा। तो कुछ नहीं, एस्केप वेलोसिटी को सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल करना है, ये आप जानते ही हैं, ये तो जानते ही हो ना, खत्म। आर पता करना है, ये क्वेश्चन है, स्क्वायर कर दो। सॉल्व कर सकते हैं उसको, जी की वैल्यू 6.67, 10 की पावर -11, अर्थ का मास दिया है, नहीं तो याद भी कर सकते हो, 6 × 10 की पावर 24 kg होता है। ये स्पीड ऑफ लाइट सबको याद है, 3 × 10 की पावर 8, स्क्वायर करना है। सॉल्व कर सकते हैं, करिए सॉल्व और बताइए। -8.8 × 10⁻³ आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8 × 10⁻², अप्रॉक्सीमेटली 10⁻²। करना पड़ेगा हमें रेडियस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चेक करिए। समझ आया, नोट करिए बहुत जल्दी। रब कर दे मिटा, कौन सा था ये 43 करना है। देखिए भाई, रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस दोगुना कर दिया, मास डेंसिटी इक्वल है, ठीक है, वीपी और वी एस्केप वेलोसिटी हैं, तो रिलेशन बताना है, वीपी एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट और वी ई एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। एक तरफ प्लैनेट और एक तरफ अर्थ, रेडियस इसका आर, तो इसका 2R, 2R का, और डेंसिटी इक्वल, इसकी डेंसिटी डी, इसकी भी डी, तो डेंसिटी की फॉर्म में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी लिखवाया मैंने आपको, 8/3 πgd, ऐसा ही लिखवाया ना, तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो गई, प्रोपोर्शनल टू आर और डी की पावर हाफ, ये तो सेम है दोनों के लिए, इसका तो कोई असर पड़ेगा नहीं, इसको कर दिया डबल तो ये भी हो जाएगी डबल, यानी कि प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी 2 times होगी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की।
बी ऑप्शन इज द आंसर, चेक करिए, यही है, नोट करिए। ये फॉर्मूला अभी आपसे कहा था स्टार बना के नोट कर लेना, काम आ गया। देखो हो गया बेटा, रब कर दे, पक्की बात है। हो गया, हाँ जी, कौन सा करा अभी, 44, 45 करना। देखिए अर्थ के सरफेस से किसी को फेंकते हैं और अब क्या करा, हाइट पे ले गए, कितनी हाइट पे, 3R पे, पहले से R थी, 3R पे और ले गए तो सेंटर से कितनी हो गई, एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। एस्केप वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने कहा कि कितनी वेलोसिटी से फेंके कि वो वापस ना आए, तो जितनी वेलोसिटी से फेंके कि वो वापस ना आए उसे ही तो एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली दे वॉन्ट टू आस्क के कितने टाइम्स हो जाएगी अगर हाइट को या डिस्टेंस को 4 times कर दिया जाए। घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सरफेस से बताते हैं हाइट, और बच्चे जल्दीबाजी में जो हाइट दी जाती है उसको यूज कर लेते हैं और आंसर नहीं आता। तो दिमाग लगाइए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में ये देखिए कि जो हाइट हमें दी है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से पूछी गई है या सरफेस ऑफ अर्थ से पूछी गई है ना, और उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिए जिसमें भी आपको चाहिए। तो कह रहे हैं एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हम तो जानते हैं एस्केप वेलोसिटी जो होती है भाई ये होती है, इसको अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं ये, और सरल कर दें तो प्रोपोर्शनल टू 1/r^2। इसको कर दिया 4 times तो क्या ये 1/4^2 हो जाएगा, नई एस्केप वेलोसिटी 1/4^2 ऑफ पुरानी एस्केप वेलोसिटी होगी, यानी कि 1/2 ऑफ पुरानी एस्केप वेलोसिटी होगी, यानी कि 1/2 of 2gm/r। इसको अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2gm/4r, ये हो जाएगा ना, 2 से कट के 2 बचेगा, ये आंसर होगा। gm/2r का अंडर रूट या gm/2r^2। देखो ए ऑप्शन है, क्या समझ में आया, वही घुमाते रहते हैं चीजें यार, नोट कर लो।
हो गया बेटा, कौन सा करना है? 46 करना है ना। पार्टिकल है, मास m है, u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, बाकी सारा डेटा दिया है अर्थ के लिए। अर्थ का मास कैपिटल m, अर्थ का रेडियस कैपिटल r, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल g, स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए u की ताकि वो वापस ना आए, है ना। हाँ, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा है, मैं ये टी शर्ट 100 रुपये की लाया, मेरे पड़ोसी का नाम रामफल है, मेरे गांव में 50 आदमी रहते हैं, मेरे गांव में 2 कुएं हैं, मेरे गांव में 2,500 लोगों की वोट है, अब बताओ मैं ये टी शर्ट कितने की लाया, समझ गए। तो बेसिकली जो कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ दे दिया, है ना, पजल करने के लिए। और एक बात कही कि वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि पार्टिकल वापस ना आए। अब वापस कब नहीं आएगा? जब एस्केप वेलोसिटी से फेंकोगे, और एस्केप वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला, यही है भाई, कहीं कहीं इसको यूं भी लिख देते हैं, बात एक ही है। बी ऑप्शन सही आंसर है, चेक करिए, बी है, रब कर दे इसको। तो कभी कभी ऐसे किस्मत खुल भी जाती है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, कभी कभी होता है, पर ऐसे मत सोचना कि हर बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अर्थ इज एज्यूम टू बी ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर, प्लेटफॉर्म लगा दिया आर हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इस पर ध्यान दिया करो कि कहाँ से नाप रहे हैं, सरफेस से या सेंटर से। अर्थ के सरफेस से आर हाइट पे एक प्लेटफॉर्म लगा दिया गया, वहां से बॉडी को फेंका गया, एस के वेलोसिटी एफ वी निकल के आई, तो एफ की वैल्यू क्या होगी भाई? ये अर्थ है, पहले यहां से फेंकते थे, अब यहाँ ले गए, ये हाइट h है, h की वैल्यू r है, ये ऑलरेडी r है, तो टोटल 2r है, समझ रहे हो बात। यहाँ पे सिर्फ r था, तो अब r से 2r कर दिया, तो 2 टाइम्स कर दिया ना। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 2gm बाय r का रूट, जिसको हम लिख लेते हैं ऐसे। अब इसको डबल कर दिया तो ये 1/2 की पावर हाफ हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो नई एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1/√2 टाइम्स ऑफ पुरानी एस्केप वेलोसिटी, इसी को कह रहे हैं एफ। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना नई एस्केप वेलोसिटी कितनी है, एफ वी है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। 1/√2 बोले तो सी, देखो सी आंसर सही है क्या, नोट करिए।
हो गया। फोर्टी एट कितनी वेलोसिटी से फेंके कि पार्टिकल की हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, जब फेंका तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी और साथ में पोटेंशियल भी थी। जब हाइट पे पहुंच गया तो सिर्फ पोटेंशियल बची और एच की वैल्यू खुद कह रहे हैं आर होनी चाहिए। डायग्राम बनाने की जरूरत है इसमें, समझ में आ रहा है ना? इनिशियल एनर्जी फाइनल के इक्वली तो करनी है। तो ये क्या हो गया भाई, ये उधर जाके प्लस हो गया बेटा। R प्लस आर ये कॉमन ले लिया, 1/r माइनस 1/2r ये कैंसिल हो गया। हाफ वी स्क्वायर इधर आया gm और नीचे से R भी कॉमन ले लिया तो 1 - 1/2 है ना। ये क्या बचा 1/2, 2 से 2 खत्म। इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। या फिर देखो ए ऑप्शन है क्या, हो गया पक्की बात? बड़े फास्ट हो यार, रब कर दें। कौन सा 49 करना है ना, कोई प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास के इक्वल है लेकिन रेडियस 1/4 है तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यही होता है ना, मास तो बेटा इक्वल है, सेम है, रेडियस 1/4 है। ये रेडियस की पावर हाफ पे डिपेंड करता है, इसको 1/4 कर दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 4 की पावर हाफ हो जाएगा तो एस्केप वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अर्थ की नॉर्मल एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगी आपकी 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। आया समझ में? नहीं आया? देखो बी है क्या आंसर, बी ऑप्शन है। हो गया बेटा यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 डायरेक्ट ही पूछ लिया, फिर से फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, किसी प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, क्या पूछा है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर, इस बार अर्थ नहीं बोला, प्लैनेट नहीं बोला, स्फीयर कह रहे हैं, जिसका मास हमें दिया है एम, है ना, और बाकी डेटा दिया है अर्थ के लिए, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो हमसे पूछ रहे हैं क्या होगी एस्केप वेलोसिटी। तो यार रटा हुआ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 2gm/r होता है, ई लगा दो अर्थ के लिए, देखो बी ऑप्शन है, चलो एस्केप वेलोसिटी तो खत्म कर ही देते हैं आज, दो तीन क्वेश्चन और हैं, ये रब कर दें, पक्की बात, देखिए 51 एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2, पता है हमें पहले से, अर्थ का मास इंक्रीज करके डबल कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू का टू टाइम्स कर दिया, ट्वाइस कर दिया, रेडियस ऑफ अर्थ आधा कर दिया, एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मास डबल कर दिया, रेडियस आधा कर दिया, ये होता है ना फॉर्मूला, मास डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर हाफ, रेडियस आधा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा हाफ की, डबल हो जाएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2 की पावर हाफ, तो 2 बार 2 की पावर हाफ तो 2 की पावर 1 हो गया, तो नई एस्केप वेलोसिटी पुराने वाली की डबल हो जाएगी, पहले कितनी थी 11.2 तो अब हो जाएगी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन चेक करो, आया समझ, हो गया बेटा 52 देखिएगा, क्या कह रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, अगर बॉडी को 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी प्रोजेक्टाइल में, लेकिन क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का नहीं है, क्वेश्चन तो एस्केप वेलोसिटी का है, तो 45 डिग्री का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड ही नहीं करती, अभी जितनी बार भी फॉर्मूला लिखा, जैसे जैसे भी फॉर्मूला लिखा, कहीं एंगल आया क्या, तो जो चीज़ फॉर्मूले में है ही नहीं, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो उसको बदलने से फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, 11.2 थी 11.2 ही रहेगी। 53 में फिर से वही काम किया, 60 डिग्री पे फेंका, एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, भाई जब डिपेंड ही नहीं करती तो नहीं बदलेगी, जितनी थी उतनी रहेगी, बात समझ में आई, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो गया एस्केप वेलोसिटी, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, धन्यवाद।